नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज। देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, खबरें यही हैं कि ममता बनर्जी आज दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर हैं तो दो सबसे बड़ी वजह है और लोगों की निगाहें उसी पर बनी हुई हैं, उसी पर टिकी हुई हैं कि क्या ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलेंगी, क्या ममता बनर्जी देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगी। आपको बता दें कि ऐसा क्यों, ये दो वजह बताऊं। उससे पहले बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी चार दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आएंगे। वह 8 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान जहां वह पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी, वहीं कई राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उनके मिलने के कार्यक्रम है। माना जा रहा है कि वह संसद भवन भी जा सकती हैं। ये खबर हो गई जो इस वक्त की बड़ी खबर आप दर्शकों को बताया मैंने। अब आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी से क्यों मिल सकती। पहली वजह, जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तूतू मैमे की लड़ाई हुई, नाराजगियां देखने को मिली, असहमति देखने को मिली, एक दूसरे पे आरोप लगे बैठक ना करने को लेकर, तो इस पे बात बन सकती है और ईडी के मसले को लेकर बन सकती है, तो इस पे लोगों की निगाहें टिकी रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू से जो संसद में आपने देखा सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी को लेकर हंगामा मचा है, अधीर रंजन को के बयान को लेकर जो मचा है, शायद उस पर भी बातचीत कर सकती हैं और या फिर ऐसी औपचारिक मुलाकात होगी क्योंकि देश की नई राष्ट्रपति बनने के बाद शायद उनकी पहली मुलाकात हो सकती है। एक ये इस अब एक सवाल ये भी है कि ईडी को लेकर जिस तरीके से यंग इंडिया जो है वो सील भी हो गया, क्या उसको लेकर बातचीत होगी, क्योंकि ईडी का शिकंजा सिर्फ सोनिया गांधी या आम आदमी पार्टी या शिवसेना ही नहीं, टीएमसी को भी बर्बाद कर दे, यानी ममता पर भी इसका चक्रव्यूह का कहर गिर चुका है। क्या इसको लेकर क्या प्लान होगा, क्या मीटिंग होगा ईडी के खिलाफ, ये एक लोगों की निगाहें रहेंगी। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलकर क्या कुछ कहती हैं। लोगों की निगाहें इसलिए भी रहेगी क्योंकि ममता बनर्जी का रुख पीएम मोदी को लेकर क्या रहता है, मोदी सरकार को लेकर क्या रहता है, ये हमें नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। ये हम सब ने विधानसभा चुनाव में देख रखा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें स्पेन 9 न्यूज़। नमस्कार।